Hello friends, in this video we shall learn the different methods of cooking. All the processes in this video are on the stove, यानी कि ये सब चूल्हे पर होंगे. So let us learn the different methods of cooking. Cooking. What is cooking? Cooking can be defined as the transfer of energy from one source to another. एक सोर्स से दूसरे सोर्स को जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, कुकिंग में हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है. दिस एनर्जी ऑल्टर्स द फूड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चेंजिंग इट्स टेक्सचर, फ्लेवर, अरोमा एंड अपीयरेंस. इससे फूड की जो है उसका टेक्सचर बदली हो जाता है, उसका टेस्ट बदली हो जाता है, उसकी खुशबू बदली हो जाती है और उसकी बनावट भी बदली हो जाती है. तो इसे हम कुकिंग कहते हैं. Let us learn the different processes of cooking. Stewing. A stew is a combination of solid food ingredients that have been cooked in liquid and served in the resultant gravy. एक solid चीज है जिसको liquid में पकाया जाता है, उसे हम stewing कहते हैं. Ingredients in the stew can include any combination. क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर? उसमें वेजिटेबल जैसे कैरेट, पटेटो, अनियंस, बीन्स, पेपर, टमेटोस ऐसी चीजें हो सकती है. और मीट, स्पेशली टफर मीट सुटेबल फॉर स्लो कुकिंग सच एज बीफ. या मीट हो सकता है, तरीदार मीट बनाते हैं हम, उसे हम स्टूइंग कहते हैं. स्टीमिंग यानी कि भाप से पकाना. ए मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टीम टू द फूड बीइंग कुक्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यहाँ पे पानी गर्म करके भाप बनाया जाता है, उससे खाने को पकाया जाता है. द फूड टू बी स्टीम्ड इज प्लेस्ड इन ए बास्केट और रैक अबव द बॉइलिंग लिक्विड इन ए कवर्ड पैन. जिस चीज को पकाना है उसे ढक के ऊपर रखा जाता है और नीचे से पानी गर्म किया जाता है, उस भाप से खाना पकाया जाता है. इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद टेंडर डेलिकेटली फ्लेवर फूड्स सच एज फिश एंड वेजिटेबल्स विच डू नॉट रिक्वायर लॉन्ग कुकिंग टाइम. जिनको पकाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ऐसी चीजों को हम स्टीमिंग द्वारा पकाते हैं. जैसे मच्छी हो गई, सब्जी हो. Steaming tends to enhance the food natural flavor and helps retain its nutrients. Steaming से उसके nutrients नहीं खराब होते हैं और उसका स्वाद भी अच्छा आता है. जैसे हम मच्छी बनाते हैं, इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, राइस बनाते हैं, ये सब स्टीमिंग मेथड से बनते हैं. फिर है शैलो फ्राइंग, कम तेल में तलना. पैन फ्राइंग भी कहते हैं हम इसे. पैन फ्राइंग शेयर सिमिलैरिटीज विद बोथ सॉटिंग एंड डीप फ्राइंग. डीप फ्राइंग और सॉटिंग के बीच में पैन फ्राइंग आता है. इट इज कुकिंग मेथड इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन फ्रॉम पैन टू द फूड. यहाँ पे हीट जो है पैन से फूड को मिलता है. यूजिंग ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट, थोड़ा सा हम तेल का उपयोग करते हैं. फूड्स आर यूजुअली कोटेड इन ब्रेडिंग. फूड को हम कोट करते हैं, मतलब बाहर से उसके कुछ चीज में उसको डुबो के बनाते हैं. कटलेट्स, फिश, वेजिटेबल्स, ऑमलेट, ये सब शैलो फ्राइंग वाली चीजें हैं. फिर आता है डीप फ्राइंग, तेल में तलना, डुबो कर तलना. डीप फ्राइंग इज ए कुकिंग मेथड that uses convection to transfer heat to the food submerged in the hot fat. यानी कि तेल में डुबोकर बनाया गया खाना. Food to be deep fried are usually first coated in batter or breading. जिस चीज को भी हमें तलना होता है, हम उसके लिए कुछ बैटर बनाते हैं और उसमें उसको डुबोते हैं. जैसे भजिया, वड़ा, पूरी, ये सब चीजें डीप फ्राइंग में तली जाती हैं. roasting and baking are the processes of surrounding a food with dry heated air in a closed environment. एक बंद माहौल में गर्मी दी जाती है चीज को, उसे रोस्टिंग या बेकिंग कहा जाता है. The term roasting is usually applied to meat and poultry. मटन या चिकन वगैरह के लिए हम रोस्टिंग कहते हैं. While baking is used when referred to fish, fruit, vegetable, starches, bread and pastry item. जब हम मच्छी, फ्रूट, वेजिटेबल या पेस्ट्री आइटम बनाते हैं उससे हम बेकिंग कहते हैं. ग्रिलिंग डायरेक्ट आंच पे पकाना. ऑल्दो सिमिलर टू ब्रोलिंग, ये ब्रोलिंग के जैसे ही है, ग्रिलिंग यूजेस हीट सोर्स लोकेटेड बीनीथ द कुकिंग सरफेस. इसकी हीट सोर्स जो होती है वो सरफेस के नीचे होती है. ग्रिल फूड आर ऑफन आइडेंटिफाइड बाय क्रॉस हैच मार्किंग. ग्रिल फूड कैसे पता चलता है, उनके एक तरफ क्रॉस हैच मार्किंग होते हैं. फ्लिप ऑन टू सर्विंग प्लेट, और इसे पलट कर सर्विंग प्लेट पे रखा जाता है. प्रेजेंटेशन साइड अप टू एक्सपोज द क्रॉस हैच मार्किंग, और एक तरफ उसका जला हुआ जैसे पोर्शन ऊपर आता है. कबाब, हैमबर्गर, सैंडविच ये ग्रिल किए जाते हैं. वेजिटेबल जैसे कि अनियन, टमाटो, मशरूम इन्हें ग्रिल किया जाता है. मीट प्रोडक्ट जैसे स्टीक, चॉप, बेकन और सॉसेजेस इन्हें भी ग्रिल किया जाता है. ब्रॉयलिंग, कुकिंग बाय एक्सपोजिंग फूड टू डायरेक्ट रेडिएंट हीट. डायरेक्ट हीट से बनाते हैं, आइदर ऑन ए ग्रिल, ओवर लाइव कोल्स और बिलो द गैस बर्नर और इलेक्ट्रिक कॉइल. हम लोग ग्रिल के ऊपर, कोयले के ऊपर, गैस बर्नर या इलेक्ट्रिक कॉइल के ऊपर बनाते हैं. Broiling differ from roasting and baking in that the food is turned during the process so as to cook one side at a time. इसमें खाने को पलटा जाता है, पलट पलट कर बनाया जाता है ताकि एक समय एक साइड अच्छी तरह से पक जावे. Flip onto serving plate, presentation side up. फिर उसको हम लोग सर्विंग प्लेट पे डालते हैं, जैसे हम तंदूरी रोटी, थाली पीठ, पापड़ वगैरह चीजें बनाते हैं. बॉइलिंग, उबालना, इज द मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड दैट यूजेस कन्वेक्शन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए हॉट लिक्विड टू द फूड सबमर्ज इन इट. यहाँ पे हीट जिस लिक्विड को हम उबाल रहे हैं उससे फूड को मिलता है. द टर्बुलेंट वाटर एंड हाई टेम्परेचर कुक फूड, और उस लिक्विड की गर्मी से खाना पकता है. ऐसे कुकिंग मेथड इट इज सिंपल एंड सुटेबल फॉर लार्ज स्केल कुकरी. ज्यादातर हम लोग इसी प्रकार से खाना बनाते हैं. फूड सुटेबल फॉर बॉइलिंग इंक्लूड वेजिटेबल्स, स्टार्ची फूड सच एज राइस, नूडल्स, पोटैटोज, एग्स, मीट्स एंड सूप्स. ये सब चीजें हम बॉइल करके बनाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, राइस हो गए, नूडल्स, आलू, अंडे, मटन या सूप. फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हर शनिवार को मेरे नए वीडियो का इंतजार कीजिए. अधिक जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल एकता स्किल्स विजिट कीजिए और अपने अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाइए. थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे.